किस देश में पेश हुआ था पहला बजट, भारत में कब शुरू हुई बजट की परंपरा, किसने पेश किया था भारत का पहला बजट। बजट 2023-2024 संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है। इस बजट में कई अहम घोषणाएं वित्त मंत्री ने की हैं, क्योंकि ये बजट सरकार का अंतिम पूर्ण बजट था, इसलिए इसे और खास माना जा रहा था। हर वर्ग के लोगों को इस बजट से उम्मीदें थी। उम्मीदों के मुताबिक ही ये बजट रहा, जहां नए टैक्स स्लैब को बढ़ाकर 7 लाख तक कर दिया गया, यानी कि अब 7 लाख तक किसी को कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बजट के साथ ही कई पुराने किस्से भी जुड़े हुए हैं? क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पहला बजट किस देश ने पेश किया था? क्या आपको पता है कि वो कौन था जिसने दुनिया का पहला बजट पेश किया था, या इस शब्द का मतलब क्या होता है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको एक एक करके देने वाले हैं, तो बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। तो आइए आपको सबसे पहले बताते हैं कि इस बजट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। दरअसल अंग्रेजी का ये शब्द बजट लैटिन शब्द बुल्गा से लिया गया है। बुल्गा का मतलब होता है चमड़े का थैला, जिसे बाद में बजट का अर्थ केवल कंटेनर से बदलकर उसे भी कर दिया गया जो इस कंटेनर में रखा जाएगा। बात करें शुरुआत की, तो दुनिया का सबसे पहला बजट इंग्लैंड में पेश किया गया था। इसकी शुरुआत वहीं हुई थी। जानकारी के अनुसार 1760 के शुरू में राजकोष के चांसलर ने हर वित्तीय वर्ष के शुरुआत में बजट को पेश करने की परंपरा को शुरू किया था। आइए बात करते हैं भारत की। तो भारत का सबसे पहला बजट अंग्रेजों के शासनकाल में पेश किया गया था, जिसे 7 अप्रैल 1860 को ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने भारत का पहला बजट पेश किया था। आजाद भारत के बाद अलग से बजट को पेश किया जाने लगा था। आजाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। उस वक्त वित्त मंत्री षणमुखम शेट्टी थे जिन्होंने इस बजट को पेश किया था। देश के पहले बजट में रक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जोर दिया गया था और खर्च भी रक्षा पर ही ज्यादा किया गया था। इस बजट में टैक्स नहीं था। षणमुखम शेट्टी एक मशहूर अर्थशास्त्री भी थे। सबसे लंबे बजट भाषण का रिकॉर्ड अब तक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम ही है। 1 फरवरी 2020 को यूनियन बजट 2020 पेश करते समय उन्होंने 2 घंटे 42 मिनट का वक्त लिया था। देश का सबसे छोटा बजट 1977 में वित्त मंत्री हीरूभाई मूलजीभाई पटेल ने पेश किया। ये केवल 800 शब्दों का ही था। वहीं बात करें सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने की, तो इसका रिकॉर्ड पूर्व पीएम मोरारजी देसाई के नाम है, जिन्होंने 10 बार देश के बजट को पेश किया था। 1955 तक बजट केवल अंग्रेजी में ही होता था। इसके बाद बजट पेपर्स हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रिंट होने लगे। कोरोना महामारी के वक्त 2021-2022 में पहली बार बजट पेपरलेस मोड में बजट को पेश किया गया। इंदिरा गांधी बजट पेश करने वाली पहली महिला थी। इस खबर में अभी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।